हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी दोस्त अच्छी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो नाइकी के नए जो शूज़ लॉन्च हुए थे कुछ टाइम पहले, जो राइड के नाम से आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये एड्स भी आपने देखी होगी। ये बहुत सी जो इसके अंदर डाली हुई है, जो मैं काफ़ी महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। जब भी ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसको परचेज़ कर लिया था, तो उसके बाद से दोस्तों मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर कितना कंफर्ट है, कि या क्या आपको ये परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है, और सभी के बारे में बात करेंगे। मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्या है कि क्या कमियाँ है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए बात करते हैं इसके क्या अच्छाई है इसके अंदर, मतलब इसको यूज़ करने के बाद मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी मतलब पहनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने कोई शूज़ पहन रखे हैं, बहुत ही लाइट वेट है, और अंदर से ना बहुत अच्छा मतलब कंफर्ट दे रखा है, मतलब पैर ऐसा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल, अंदर जो ये निचली ये पोर्शन है ये बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो ये बॉल्स जो टाइप है ये इनका यूज़ कर रखा है, तो ये शूज़ के अंदर इतना कंफर्ट बना देती है, मतलब पैरों को चलते वक्त या आप शूज़ पहनते हो ना तो कोई आपको इतना दबाव लगता है कि हमने शूज़ पहन रखे। कुछ शूज़ क्या होते हैं स्पोर्ट्स, अंदर से बहुत सख्त होते हैं, तो उनको पहनने के बाद क्या होता है, जैसे कोई फ्लैट स्टेप है हम पैर रख देते हैं, तो ऐसा हमें कुछ फील होता है। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं नेचुरली, जैसे बॉल्स होती है, जैसे ये बॉल्स है इन्हीं के ऊपर हमने पैर रख रखा है, तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको ये शूज़ देते हैं। बाकी जो इनका प्राइस है, प्राइस के हिसाब से चीज़ बहुत अच्छी है, आपको लेने चाहिए अगर आपका बजट 10,000 या 8,000 के आसपास है। तो अब बात करेंगे इसकी कमियां के बारे में। इसके अंदर मेरे को कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगने स्टार्ट हो गई दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं आपको बताऊंगा। जो ये इधर के ये कुछ पोर्शन है, मैं आपको वीडियोज़ में इस वाले शूज़ में कौन से में, हाँ इस वाले में, तो जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ कर रखा है इसमें से ये कुछ ऐसे ऐसे निकलना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं ये वॉशिंग के बाद हुआ है कैसे हुआ है, मेरे कारण हुआ है। तो इसमें मेरे को ये थोड़ी बहुत जैसे ये कमियां निकलनी स्टार्ट होगी इसमें से, बाकी कोई बहुत माइनर है, कोई ज़्यादा भी नहीं है कि भाई शूज़ जो है बहुत ही बेकार हो गए। तो काफ़ी अच्छा शूज़ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो नाइक के शूज़ में तो आपके लिए बहुत अच्छा शूज़ है, कंफर्टेबल है और देखने भी बहुत प्यारा लगता है। कुछ मैं आपको कम्युनिटी होते जो जो हमारे यूट्यूब में पोस्ट का ऑप्शन होता है उसमें मैं 3-4 फोटो इसको पहन के डाल दूंगा, आप देख पाओ मतलब आप देख लोगे अच्छे से कि भाई शूज़ पहनने के बाद कैसा लगता है। ये थी बात दोस्तों, जो नाइकी के कुछ टाइम पहले शूज़ लॉन्च हुए थे जो राइड के नाम से, ये नाइकी बैजिंग लगा वगैरह लिखी हुई है इस पे, मेंशन कर रखा जो राइड रन, बहुत अच्छे शूज़ है दोस्तों, कंफर्टेबल है। मैं आपको होनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नाइकी से कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा ना कुछ पैसे मिल रहे, जो आपको रियल बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये थी बात दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लव यू ऑल।